हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियान वांग एफएफ शेयर कर रही थी, और इस एफएफ के में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लैंजन है ना, मतलब उसकी तो नींद उड़ी हुई थी कि उसको प्यार हो गया था विंग से, और उसको पता भी लग गया था कि विंग भी उसे पसंद करता है। तो इसकी तो नींद उड़ी हुई थी, तो वो ना मतलब विंग का उसके पास कोई तस्वीर नहीं था, तो वो क्या करता है, मतलब कहीं से ढूंढ निकालता है, मतलब जाकर इंस्टाग्राम देखता है या फिर कुछ ना, उसके पास नंबर भी नहीं था, कुछ ना कुछ ढूंढता है और उसकी तस्वीर देखने लगता है। और ना वो कहता है कि मुझे तुमसे प्यार कैसे हो गया बोलता है, और ना वो ऐसे बोल रहा था, और रात भर ना मतलब कुछ ना कुछ बोल रहा था कि मुझे तुमसे प्यार कैसे हो गया, क्यों हो गया, घर वालों को पता लग गया तो क्या हुआ, ऐसे विंग के साथ बात कर रहा है जैसे वैसे, मतलब उसकी तस्वीर से बात कर रहा था। और इधर हमारे विंग का हाल दिखाया जाता है, हमारा विंग भी ना मतलब लैंसन को याद कर रहा, तो उसके पास भी लैंसन की कोई तस्वीर नहीं थी, उसका भी वही हाल था, वो भी लैंसन की तस्वीर ढूंढ रहा था, मतलब कहीं ना कहीं से मिल जाता है उसे, और ना वो भी तस्वीर को देखकर बात कर रहा था कि मुझे तुमसे प्यार कैसे हो गया, मुझे तो पता भी नहीं लगा प्यार है करके, मुझे अभी पता लगा है और मैं क्या करूं बोल रहा था। और ये दोनों ना एक दूसरे की तस्वीर से ही बात कर रहे थे रात भर, और ना ऐसे उन दोनों की आंख लग जाती है और दोनों सो जाते हैं। तो इधर ना सॉरी विंग की तरफ दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग है ना वो सोया हुआ था, और उसका मोबाइल पर ना फोटो ओपन हुआ था, और मतलब वहाँ पर तस्वीर थी, और हमारा विंग ना सोया हुआ था वहाँ पर। तो ना उसकी मॉम जो है ना उसके रूम में आती है और कहती है कि विंग उठो, कितनी देर तक सोओगे। तो हमारा विंग ना जल्दी से उठता है और ना अपने मोबाइल को छिपाने लगता है, क्योंकि उसमें ना लैंसन की तस्वीर थी, तो वो छुपाने लगता है। तो उसकी मदर कहती है कि क्या हुआ, क्या छुपा रहे हो। तो ना हमारा विंग कहता है कुछ नहीं मॉम बोलता है, और ना हमारा विंग कहता है कि मैं बाथरूम में जाता हूँ, मुझे फ्रेश होना है बोलता है, और ना अपने मोबाइल को पकड़ता है, उसको लेकर चला जाता है मोबाइल को लेकर, और जाता है और ना वहाँ पर फ्रेश होता है। और इधर हमारा लैंसन भी सोया हुआ था, तो हमारे लैंसन के रूम में ना जियांगचेन आता है उसे उठाने। तो जियांगचेन देखता है कि ना लैंसन के मोबाइल पर ना उसके भाई के मतलब विंग की तस्वीर ऐसे सामने मतलब आ रही थी, और हमारा लैंसन बेचारा ना सो रहा था मोबाइल को अपने हाथ में पकड़ कर। तो हमारा जियांगचेन हंसता है और कहता है कि ये भगवान, ये यार पागल पागल हो गया है क्या। तो ना उसके बाद ना लहसुन को उठाता है और कहता है कि लहसुन जाकर फ्रेश हो जाओ, लेट हो गया है आज, आज इतनी देर तक तुम सो लिए बोलता है। तो हमारा लहसुन कहता है कि हाँ हाँ बोलता है, और ना अपने मोबाइल को देखता है, तो वहाँ पर विंग का मोबाइल सॉरी विंग का फोटो ओपन था। तो वो ना जियांगसिंग की तरफ देखता है और मोबाइल की तरफ देखता है, फिर जियांगसिंग की तरफ देखता है, फिर मोबाइल की तरफ देखता है, और ना मोबाइल में से उसकी तस्वीर हटा देता है और कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ बोलता है, मतलब उसको अजीब लग रहा था। और हमारा जियांगसिंग ना इधर हंस रहा था कि भाई साहब इसे इतना प्यार हो गया मेरे भाई से। तो ना हमारे सिचैन जो थे इनका तो कुछ और ही चल रहा था, कि लहसन विंग को पसंद करता है, और ये फादर को कैसे बताऊं, मतलब क्या करूं, और विंग पता नहीं उसे पसंद करता है कि नहीं, क्योंकि जियांगसर ने नहीं बताया, तो उसे ना अजीब लग रहा था कि सिचैन को कैसे बताऊं, और वो अगर मतलब इन दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किए तो क्या करूं, इसलिए उसने नहीं बताया था। तो हमारे सिचेन जो है ना वो परेशान थे घर में, और ना वो ना क्या करते हैं कि मतलब हमारे जो मतलब लैन कुरैन है ना और मैडम यू है ना, सॉरी मैडम यू नहीं लैन ही है ना, वो ना दोनों बैठे हुए थे और वो दोनों बात कर रहे थे कि
उस रिश्ते को जो सिचन ने मना कर दिया तो दूसरा रिश्ता देखें लैंसन के लिए। तो ये बात चल रही थी तो हमारे सिचन कहते कि नहीं, और लैंसन के लिए अभी रिश्ता मत देखो, अभी ना उसको कुछ करना है, मतलब काम वाम करना है, उसके बाद ही उसकी शादी करवाएंगे, मतलब बहाना ढूंढ रहे थे। तो हमारे जो फ्रेंड है ना वो कहते हैं कि उसको काम भी करना है अभी। माय गॉड, हे भगवान। और उसने शादी के लिए हाँ क्यों कहा, मतलब शादी के लिए रिश्ता देखो क्यों कहा, उसको काम अगर करना है। और वो ना लहसन को बुलाते हैं कि लहसन लहसन कहाँ हो, तो अपने फादर की आवाज़ सुनकर ना हमारा लहसन आता है और कहता है कि हाँ फादर, बोलता है। तो ना हमारा जो मतलब सिचन है ना, मतलब वो घबरा रहे थे कि लहसन क्या बोलेगा क्या नहीं। तो कुरन पूछते हैं कि तुम्हें अभी कुछ काम भी करना है, मतलब काम के बाद ही शादी करना है, मतलब कुछ जॉब पे लग जाओ उसके बाद ही शादी करना है। तो हमारा लहसन मन में सोचता है कि ये अच्छा मौका है और इसी वजह से शादी भी टल जाएगी। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ पापा, बोलता है। तो ना हमारे कुरन कहते हैं हाँ हाँ सिचन को तो तुम पहले ही बता देते हो, सिचन ने हमसे बात की अभी, तो हम भी हाँ ठीक है तुम्हारी शादी बाद में ही करवाएंगे और अभी के लिए रहने देते हैं, ऐसा सब बोलते हैं। तो हमारा लहसन कन्फ्यूज कि भाई को मैंने कब बताया है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है या फिर काम करना है, मुझे तो अभी काम, मतलब बहाना सूझा तो मैंने हाँ कर दिया, उन्होंने पहले से पूछा तो ऐसा हाल था वहाँ पर। और लहसन को डाउट होता है कि मतलब जियांगचेन ने सिचेन को सब बता तो नहीं दिया ना, तो वो ना थोड़ा घबरा जाता है और ना अपने रूम में भाग जाता है। और उसकी ऐसी हालत देख कर ना उसके ब्रदर जो थे ना वो ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए थे और वो ना उसके पीछे जाते हैं। तो सिचन जैसे ही जाते हैं तो हमारा जो लेंसन है ना वो बोलता है कि ब्रदर आपको क्या सब कुछ पता लग गया। तो हमारे सिचन जो है ना वो कहते हैं कि क्या पता लगना था। तो हमारा लहसन कहता है कि कुछ नहीं ब्रदर, बोलता है। तो हमारा जो लहसन है ना वो ऐसा कहता है, तो हमारे सिचन जो है ना वो कहते हैं कि लहसन तुम मुझे एक बार सच सच बताना, क्या तुम किसी को पसंद करते हो। तो हमारा जो लहसन है ना वो क्या बोले, तो वो झूठ भी नहीं बोल सकता, तो वो कहता है कि हाँ ब्रदर। तो अरे जो सिचेन है ना वो कहते हैं कि तुम किससे पसंद करते हो, मतलब किसको पसंद करते हो। तो वो कहता है विंग को, और सिचेन कहते हैं कि विंग भी तुम्हें पसंद करता है। तो हमारा लहसुन कहता है कि हाँ। तो ये सुनकर ना सिचेन सॉफ्ट हो जाते हैं और सिचेन कहते हैं कि तुमने उससे बात की। तो हमारा लहसुन कहता है कि ना मैंने बात नहीं की। तो तुम्हें कैसे पता लगा, बोलते हैं। तो हमारा लहसुन कहता है कि जियांगचेन ने बोला। तो हमारे जो सिचेन है ना वो और सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद ना वो ना मतलब सॉरी सिचेन ना अपने रूम में चले जाते हैं और मैं ना हाथ थोड़ी मतलब इधर उधर बोल रही हूँ, अच्छे से बोल नहीं पा रही इसलिए सॉरी। और सिचेन ना अपने रूम में चले जाते हैं, वहाँ पर जियांगचेन था। तो सिचेन ना जियांगचेन से पूछते हैं कि बेबी सो गया। तो हमारा जो मतलब जैंसन है ना वो बोलता है कि हाँ सो गया, खेर आता ना तू सो गया। तो हमारे जो सिचन है ना वो बोलते हैं कि यार विहिंग जैंसन को पसंद करता है। हमारा जो जैंसन है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और कहता है कि हाँ, और तूने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। तो हमारा जो जैंसन है ना वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप रिएक्ट कैसे करोगे, तो बता कैसे दूँ। तो हमारे सिचेन जो है ना वो कहते हैं कि अब क्या करें, बोलते हैं बैठते हुए जंक्शन के पास। तो जंक्शन कहते हैं कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, ये दोनों तो एक दूसरे को पसंद कर लिए हैं और घर वालों को कुछ पता नहीं है, और लहसुन के लिए शादी ठीक मतलब फिक्स कर रहे हैं, लहसुन के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे सिचेन कहते हैं कि अभी के लिए तो वो बात टल गई है, मैंने कुछ बहाना बनाकर लहसुन का मतलब मैरिज की बात रोक ली है कि अभी उसके लिए रिश्ता मत देखो करके। और हमारा
यांगसेन कहता है ये सच में, तो अभी क्या करें, इन दोनों का क्या करें हम यार। तो हमारे जो शिष्य है ना, वो कहते हैं कि हमारे तो लव मैरिज हुई नहीं है, जो हमें पता होगा कि क्या करें। किसी का तो लव मैटर होगा, किसी का मतलब हमारे फ्रेंड्स में से कोई है क्या, तुम्हारे फ्रेंड्स में से किसका लव मैरिज हुआ है क्या। तो जिनसे कहते कि पता नहीं यार मुझे तो, मैंने मतलब मैंने तो किसी को पूछा नहीं है। तो हमारे जिस चैन है ना, वो कहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स फ्रेंड से भी शायद किसी की नहीं हुई है। तो कैसे करे क्या करे, घर वालों को कैसे बताए, भाई सब फंस गए हम दोनों इन दोनों के प्यार में। मतलब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम दोनों फंस गए हैं, क्योंकि घर वालों को बताने की जिम्मेदारी हमारी है। तो क्या करेंगे हमारे सी चैन और जियांग चैन, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और कुरियन और इधर मैडम यू, इन दोनों को जब पता लगेगा कि इन दोनों के बच्चों बच्चे सॉरी बच्चे जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो क्या बवाल होगा। मतलब कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्या होगा, क्या सब कैसे होगा। और आपकी ये एफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना, और मैं आपका कमेंट का वेट करूँगी। और मैंने ना मतलब वीडियो नहीं डाला था 2-3 दिन से, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इशू हो गया था, मतलब नेट ही नहीं आ रहा था, तो वीडियो कैसे डालती। और जो शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है ना, वो ना मेरे भाई से नेट लेकर किया है, मतलब किसी से ऐसे लेकर किया है, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला। तो आप लोग गुस्सा मत होना प्लीज़। ओके बाय।